प्याज की कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार प्याज की बढ़ती कीमत की वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों की थाली से प्याज दूर होता जा रहा है, चाहे घर हो या होटल, हर जगह प्याज की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसे लेकर लोग काफी गुस्से में हैं। जैसे जैसे प्याज की कीमत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। इसी कड़ी में बिहार राज्य सहकारी मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड के कर्मचारियों का एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि कर्मचारी हेलमेट पहनकर बाजार में प्याज बेच रहे हैं। दरअसल आम लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी बिस्कोमान पिछले कुछ दिनों से सस्ती कीमतों पर लोगों को प्याज बेच रहा था, जिसे लेकर यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ रहती थी। सस्ती कीमत पर प्याज खरीदने के लिए लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग कर्मचारियों पर ही पत्थरबाजी करने लगे। दो गुट आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान बिस्कोमान के एक स्टाफ को बुरी तरीके से चोट लग गई, जिसके बाद से अपनी जान बचाने के लिए और खुद को सुरक्षित करने के लिए बिस्कोमान के कर्मचारियों को बाकायदा हेलमेट पहनकर बिहार के कई इलाकों में प्याज बेचना पड़ा। शहर में 35 रुपए प्रति किलो प्याज बेचे जाने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सस्ते प्याज को खरीदने के लिए पहले ही दिन भगदड़ जैसे हालात पैदा होने लगे। प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने की वजह से प्याज की लूट की स्थिति भी बन गई, जिसको देखते ही निर्धारित समय से पहले ही आरा में बिस्कोमान के कर्मियों को प्याज से लदी गाड़ी को लेकर भागना पड़ा। कर्मचारी बाजार में मौजूदा कीमत से कम पर प्याज बेच रहे थे ताकि लोग महंगाई के बोझ से बच सके, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। दरअसल प्याज को लेकर लोग इतने उग्र हो गए कि वह कर्मचारियों को ही मारने पीटने पर उतारू हो गए, जिसे लेकर कर्मियों ने खुद के बचाव के लिए हेलमेट पहनकर प्याज बेचना शुरू कर दिया था और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कर्मचारियों को डर था कि उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है और प्रशासन ने उन्हें कोई सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं कराई है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा रखा था। बता दें कि प्याज की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा बढ़ गई है। मार्केट में पेट्रोल सस्ता है और प्याज महंगी, इसे लेकर इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। विपक्ष इसे लेकर लगातार हमला बोल रहा है और एक बार फिर से प्याज को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। अब इसे लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र मंत्री रामविलास पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया है। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को प्याज के बढ़ते दाम को लेकर तीखे कमेंट किए हैं। उन्होंने भोजपुरी स्टाइल में एक बार फिर से ट्वीट कर लिखा है, मोदी पासवान नीतीश राज में फिर से पियजवा अनार हो गई बा। अपने कम शब्दों में ही लालू यादव ने अपने पूरी बातें कह दी हैं। अपने कम शब्दों में ही उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार को निशाने पर एक साथ ले लिया। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।